डर मत नागिन, लगता है तुम बड़ी सिद्ध नागिन है। तेरे ही बलि से हमारी पूर्ण आहुति संपन्न होगी। जय महाकाल। शीशक आओ, तुम मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। शीशक जल्दी आओ, शीशक आओ तुम। शिवन्या बुला रही है, वो किसी मुसीबत में है। आज पहली बार तुम नाराज नहीं हो। शीशक आओ तुम मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज तुम्हें नेकलेस अपने हाथों से पहनाऊंगा। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों वो मुझे बार बार याद आ रहा है? क्यों वो इंसान मेरे दिलो दिमाग में छा रहा है? क्यों? नागिन हूं मैं, फिर एक इंसान की तरफ ये दीवानगी क्यों? ये कैसा फितूर है? ये कैसी दीवानगी? ये कैसा सुरूर? आज तक मैं शिवन्या को रोकती रही, एक इंसान से प्यार करने के लिए रोकती रही, उसे इंतकाम की तरफ जाने को कहा, लेकिन आज मैं खुद उसी इंसान की तरफ खींची जा रही हूं। पहली बार ऐसे हुआ है कि शिवन्या किसी मुसीबत में है और उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैं जा नहीं सकी। क्यों? आज तक मैं किसी के रोके ना रुकी, लेकिन आज एक इंसान ने मुझे रोक लिया। आज तक मैंने बिजलियां गिराई है और आज ये बिजली मेरे दिल पे आके गिरी। आज तक मैंने तूफान बरसाए है, तो फिर ये कैसी कयामत मेरे सर पर खड़ी है? आज तूफान बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है ये तूफान। आज मैं इतनी बेबस हो गई कि एक इंसान के वश में आ गई। एक नागिन को एक इंसान से प्यार क्यों? क्या करूं मैं?
शादी शादी। क्यों उस इंसान की यादें आ रही है? क्यों उसकी याद मेरा दिल दुखा रही है? क्या करूं, क्या करूं मैं? उस दूसरी नागिन को तो शादी का न्योता दे दिया मैंने, अब वो दुल्हन बनकर आएगी या फिर नागिन बनकर डसेगी? माँ, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोई नहीं? यही तो मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, इतनी रात गए तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। ये शिवन्या है या काली नागिन, कैसे पता करो? नागिन, नागिन, मुझे ऐसा लगा कि नागिन तुम्हें तुम्हें लेकर चली गई। पहले भी दो तीन बार वो तुम पर वार कर चुकी है ना, इसलिए मैं डर गई थी बेटा। माँ, शिवन्या शिव मंदिर गई थी, आज एकादशी का सोमवार है ना, तो वो शिवजी के दर्शन करने गई और मेरे साथ होते हुए शिवन्या को कोई नागिन छू भी नहीं सकती। ये शिव मंदिर में, तो ये दूसरी वाली काली नागिन तो नहीं? शिवन्या को तो मैं खुद आगोरियों के जाल में फंसा कर आई थी, तो ये अभी पता चल जाएगा। बेटा, मैंने तो तुम्हें पूजा की सामग्री लाने के लिए भेजा था ना। ओ, मतलब उसके बाद तुम मंदिर गई थी? वो तो अच्छा हुआ, मुझे पता था कि एकादशी के दिन शिवन्या शिव मंदिर जाती है, तो मैं भी चला गया। शायद मेरा जाना ही लिखा था, बच कहीं ना कहीं ना। मां, मंदिर जाते वक्त मैंने रास्ते में देखा कुछ अघोरियों ने इच्छाधारी नाग नागिन को बंदी बना के रखा था। वो उन मासूम जानवरों की बलि चढ़ा के शक्ति पाना चाहते थे। डिस्गस्टिंग, आजकल की दुनिया में भी ऐसा होता है। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंचा और पुलिस की मदद से उन नाग नागिन की जान बचा ली। ओह, तो तू शिवन्या है, आज फिर बच गई नागिन। क्या कहा तुमने? ऋतिक, नाग नागिन की जान बचाई तुमने, हमारे दुश्मनों की जान बचाई? ये जानते हुए भी कि वो नागिन हमारे पूरे परिवार को मारना चाहती थी, तुमने उस नाग नागिन को मरने से बचाया? माँ, एक नागिन हमारे परिवार की दुश्मन है, उसकी सजा हम पूरे नागवंश को क्यों दे? वो बेचारे निर्दोष है, मासूम है। हाय, मैं मर जावा। जानवरों के लिए तेरे दिल में इतना प्यार है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया तुमने, तुम दोनों थक गए होंगे, जाओ बेटा, जाकर आराम करो। मां, अभी जाकर सो जा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जब तक ये दोनों नागिन एक दूसरे के साथ हैं, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनका रूप ही इनका दुश्मन बन जाए।